मध्य प्रदेश में टिकट बंटवारे में भाजपा के खेमे में बगावत का स्वर तेज हो गया है, जिससे महाराजापुर विधानसभा सीट मानवेंद्र सिंह को टिकट ना देने का विरोध जताया जा रहा है। साथ ही पार्टी छोड़ने की धमकी भी कार्यकर्ताओं ने दी है। छतरपुर जिले की महाराजपुर विधानसभा में भाजपाइयों ने बगावत के स्वर को तेज कर दिया है। यहाँ से मानवेंद्र सिंह का विरोध करने के लिए घोषणा के पहले भी पदाधिकारियों के एक दल ने संगठन को विरोध पत्र सौंपा था, लेकिन उसके बावजूद टिकट मिलने पर ददरी गांव में लगभग 2 दर्जन और जिले के पदाधिकारियों ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है। इनमें भाजपा जिला उपाध्यक्ष सूरज देव मिश्रा, किसान मोर्चा प्रदेश मंत्री अवनींद्र पटेरिया, मणिक चौरसिया, प्रदेश कार्य समिति सदस्य राजीव मोहन चौरसिया, हरपालपुर नगर पालिका अध्यक्ष ममता बैसाखिया, भाजयुमो जिलाध्यक्ष मणिकांत चौरसिया, पंचायत प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष महेंद्र मातौल, जिला मंत्री हरिश्चंद्र द्विवेदी, लोकेंद्र सिंह सहित 2 दर्जन पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल थे। टिकट न बदले जाने पर सामूहिक इस्तीफा देने की चेतावनी भी दी जा रही है। क्योंकि जैसा आपने बोला, हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के पुरातन कार्यकर्ता बैठे हुए, सब लोग वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और हम लोग को महाराजपुर विधानसभा की ज़्यादा चिंता है और महाराजपुर विधानसभा के साथ जो हमारा अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के उत्थान की बात है, उसके उत्थान को लेकर के हम लोग सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि हमारा जो जनप्रतिनिधि अभी वर्तमान में थे, उन्होंने अगर हम सभी कार्यकर्ताओं के साथ जनता का बीच में एक काम करने का यदि काम नहीं किया तो हम प्रजातांत्रिक तरीके से सब लोग अपनी बात अपनी पार्टी में रखने जा रहे हैं। और हमने ये बात अपनी वरिष्ठ पदाधिकारियों के बीच में रखी है कि इसमें पुनः विचार करने का कष्ट करें। आज हमारे भाजपा विधानसभा की सभी कार्यकर्ताओं की बैठक यहाँ आयोजित की गई है, क्योंकि यहाँ पे मानवेंद्र सिंह जी को प्रत्याशी बनाया गया है, क्योंकि उनकी कार्यप्रणाली विगत 5 वर्ष से वो पहले कांग्रेसी मानसिकता के व्यक्ति हैं और 5 साल पहले उन 2013 में उनको भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रत्याशी बनाया गया था, जिसको हम सभी कार्यकर्ताओं ने सहर्ष स्वीकार करके उनको विजय बनाया था। लेकिन उस विगत 5 वर्ष में उन्होंने हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया और हमारे जो भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता रहे, जिस भी क्षेत्र के रहे, किसी भी को उन्होंने छोड़ा नहीं है, उनको प्रताड़ित करने का प्रयास किया है, फर्जी केस लगवाए हुए हैं और जो भी कार्यकर्ता हमारे जनप्रतिनिधि काम करते हैं तो उनके काम में रोड़ा अटकाते हैं। वो तो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति उनकी समझ में नहीं आती है। ऐसे प्रत्याशी का विरोध करने के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। छतरपुर से सुशील सिवारी की रिपोर्ट।